तो दोस्तों फाइनली हम चल रहे हैं बाइक ठीक करने जावा, ठीक है सनवारा चलेंगे, फिलहाल चेक किया जाएगा पहले इससे, इसके बाद बैटरी ख़राब हुई फिर हम एमरोन कंपनी की बैटरी उसमें फिटिंग करेंगे, जावा मोटरसाइकिल जो ख़राब है। लो इसको रख लो आप, ठीक है चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको सनवारा। हाँ जी पकड़ लो, तेजाब वगैरह तो नहीं इसमें, तेजाब नहीं होता, ड्राई बैटरी होती है। पारू गई जी, वहाँ पर हम ठीक करेंगे बाइक जावा, ठीक है भाई। अंकल ये आए हुए हमारी शॉप पर, उनकी जो बाइक थी वो हो गई है ख़राब, सनवारा तो जो टोल प्लाजा है ना वहाँ पर ख़राब हो रखी है, फिलहाल अभी हम उसको ठीक करते हैं। उसमें जो प्रॉब्लम लग रहा है वो है बैटरी की, बैटरी डिस्चार्ज है और बोलते हैं भाई उसकी जो बैटरी है फूल गई है, ठीक है तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है, पेट्रोल डला लेता फिर चलता, कहीं मेरी बाइक ना खड़ी हो जाए आपके बाइक ठीक करते हुए। अच्छा लो जी 50 कर दिया। टोल प्लाजा यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है जहाँ पे हमारी बाइक खराब रखती है जावा। भाई आ गए टोल प्लाजा, कहाँ पे कहाँ जैसे खराब है अंकल जी, इससे पहले क्रॉस करके। अच्छा जी इस एरिया में मैं बहुत बाइक ठीक करता हूँ। अच्छा हाँ जी ये है क्या, ये जी है भाई साहब पहुँच गए हैं जावा, खराब हो रखी है यहाँ पर। तो भाई ये है जावा, ये खराब हो रखी है सनवारा में है? और इसमें जो बैटरी है, बैटरी दिखाना जरा मेरे को भाई। अगर आपके बाइक जावा की बैटरी ख़राब होती है सबसे पहले आपको इस प्लेट को रिमूव करना है, यहाँ भी एक बोल्ट लगा होता है, ठीक है। इसके बाद बैटरी का बोल्ट निकालेंगे, बैटरी बाहर निकालेंगे, इसमें बैटरी की प्रॉब्लम लग रही है। हॉर्न वगैरह बजता है भैया? नहीं। चाबी ऑन करो इसके, सबसे पहले हम चाबी को ऑन करते हैं, चेक कर लेते हैं मीटर में इग्निशन आ रही है कि नहीं। चाबी ऑन हो गई और आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर में लाइट आ रही है, हॉर्न चेक करते हैं, हॉर्न बज रहा है, स्टार्ट करते हैं। भाई सेल्फ नहीं जग रहा है, ये है बैटरी से रिलेटेड दिक्कत, तो कुछ इस तरीके से भाई प्रॉब्लम है। देखते हैं आप जब सेल्फ लगा रहा ना साइन आ रहा है, बैटरी निकालते हैं, न्यू बैटरी डालकर चेक करते हैं क्या बैटरी न्यू डालने से स्टार्ट हो रही है कि नहीं। बैटरी आपने कभी भी चेंज करना है तो इसका जो इग्निशन स्विच है ना भाई उसको पहले काट लें, इसके बाद बैटरी का जो बोल्ट है उसको आपको रिमूव करना पड़ता है। बोल्ट खोल लिया देख सकते हैं, अब इसको हम निकालेंगे बाहर कुछ इस तरीके से। यह है एमरोन कंपनी की BTZ9R, इसको भाई करते हैं रिमूव। नट बोल्ट वारंटी कार्ड, अगर आप एमरोन की बैटरी परचेस करते हैं तो आपको इसमें 2 साल की वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर 2 साल में ख़राब होगी ना बैटरी तो आपको फ्री रिप्लेसमेंट कंपनी करके देती है, अगर 3 साल में ख़राब हो जाए या 4 साल में तो आपसे कुछ परसेंट कंपनी लेती है, इसके बाद आपकी बैटरी रिप्लेस होती है, ठीक है भाई। साइज सेम है आप देख सकते हैं भाई, फिटिंग करते हैं। आपने देखा भाई हमने बैटरी का जो नट बोल्ट है ना इसको फुल टाइट कर दिया है, कभी भी आप न्यू बैटरी लगाते हैं या अपनी पुरानी बैटरी लगा रहे हैं तो आपको बोल्ट का ध्यान रखना है, इस बोल्ट को दोनों बोल्ट को आपको फुल टाइट कर लेना है, इसके बाद आपको
इस कवर को बैठा लेना है, ठीक है। हमने बैठा लिया, देख सकते हैं आप, करते हैं इसका इग्निशन स्विच को ऑन और इसका सेल्फ लगाकर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। फाइनली भाई मीटर में लाइट आ गया है, पहले भी आ रहा था आपने देखा। ऑन करते हैं, सेल्फ लगाते हैं भाई, स्टार्ट हो गई है जावा मोटरसाइकिल। ये 350 है भैया, 350 है भाई। अंकल जी इसकी बैटरी ख़राब है, बैटरी चेंज करते हैं इसकी। इंटी कार्ड रख लो, इसको आप कहीं भी वापस करा लेना अगर कभी ख़राब होती है ना जी। क्या है ठीक है। फाइनली दोस्तों आपने देखा हमने इसमें बैटरी न्यू डाल दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, अंकल जी चले हुए थे इस रोड पे NH05 पे, आपने देखा चलते चलते इसकी बैटरी जो है अचानक ख़राब हो गई। तो आपके बाइक में भी ऐसा हो सकता है, अगर आप चला रहे हैं बाइक और आपकी बाइक का जो बैटरी है वो ड्राई है, चलते चलते डिस्चार्ज हो जाती है, तो आपको बैटरी जो है इसको चेंज कराना पड़ता है। बैटरी है इसको चेंज कर दिया एमरोन कंपनी का, और जो जावा है वो स्टार्ट हो गई, कम्प्लीट है। स्टार्टिंग आपने देखा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो रही है। चाबे जाना भैया लगा दो, तो आपको एक बार फिर से स्टार्ट करके चेक करा देते हैं भाई। पहले आपने देखा था जब हम पुरानी बैटरी में स्टार्ट कर रहे थे तो सेल्फ लगाने के बाद यहाँ मीटर में निशान आ जाता था, अब आप देखेंगे सेल्फ लगाएंगे कोई निशान नहीं है, बैटरी की प्रॉब्लम थी जो कि सॉल्व हो चुका है, ठीक है भाई। और हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया इसकी बैटरी कहाँ जैसे लगती है, सीट आपको रिमूव करना है, इसके बाद बैटरी इसके सीट के नीचे होती है, ठीक है। मेरा नंबर अंकल जी 75910 रवि, हाँ जी हाँ जी, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना। भाई साहब ज़्यादा नहीं चलाएंगे इसको, हमने चला रखा है ना भाई इसके पहले जावा, ऐसी कढ़ाई मार लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मस्त चल रही है, और इसकी जो प्रॉब्लम है भाई आपने देखा हमने सॉल्व कर दिया, इसकी बैटरी ख़राब हो गई थी। अगर आपके बाइक की जो बैटरी है भाई ना चलते चलते ख़राब हो जाती है तो आपको चेंज कराना पड़ेगा, और हमने आपको दिखाया इसमें बैटरी चेंज करके। तो भाई इस वीडियो में इतना था, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।